आई गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम टू द डेली न्यूज़ पेपर एनालिसिस टुडे इज मंडे एंड वी आर कवरिंग न्यूज पेपर ऑफ़ संडे दैट इज फोर्थ ऑफ जुलाई एंड ऑल्सो दैट इज फिफ्थ ऑफ जुलाई और आज काफ़ी कुछ न्यूज़ है सो uh, so इसलिए काफ़ी टाइम लग गया इंडियन एक्सप्रेस में भी काफ़ी सारी नई चीजें आई हैं एंड विल बी कवरिंग दोस तो क्विकली लेट शेयर जल्दी से लोगों को लाइव मैसेज uh, करते हैं दैट वी आर लाइव फॉर द क्लास एंड वी क्विकली स्टार्ट विद एनालिसिस A lot of things to discuss today, and uh, it's going to be a power packed session. Good morning, all of you. Good morning, good morning. We are live up and running. Morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, everyone, good morning. so we'll start quickly uh, it's visible okay okay are an academy books enough they are good you have to follow it up with courses uh, and notes from the educators classes good morning guys good morning तो so, आज का मोटिवेशन कोर्ट है स्ले योर मंडे मॉर्न स्ले तो यू फील मोटिवेटेड यू आर लाइव अप एंड रनिंग कोविड की सेकेंड वेव को हम सब ने सक्सेसफुली बीट कर दिया है थैंक यू ईच एंड एवरी वन फॉर फॉलोइंग द कोविड प्रोटोकॉल एंड नॉट गोइंग आउटसाइड विदाउट मास्क इवन इफ यू काइंड ऑफ ओवरकम द वायरस बट अभी लूम्स लार्ज बट स्टिल वी आर अ लाइव मोटिवेटेड डिटरमाइंड एंड रेडी टू स्टे द डे सो हर दिन हफ्ते की शुरुआत मंडे से और मंडे कोई अपने प्लान स्ट्रैटेजीज क्या करना है कैसे करना है पहले से बना के रख लें आप लोग और मोस्ट मॉडली ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू द डे कोशिश करें कि देखने के लिए कि आज क्या क्या चीज़ें अच्छी कर सकते हैं एंड नॉट ऑलवेज थिंकिंग अरे आज फिर से वही यू नो तो डमी प्रॉमस so you know, uh, uh, you know, like. so, आपको पता ही है सो यू कैन यूज द कोर्ड डी लाइफ सो अन अकेडमी आपको एक साल का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन देगा अगर आप दो तो साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं बाकी बुक्स के लिए मैंने पहले ही बताया आपको कि अगर आप रीन्यूवल भी करते हो तो आपको बुक्स मिल जाएगी इनकेस अगर आप पुराने स्टूडेंट हो तो काफी एंड दिस ऑपनल कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफर इज स्टिल स्टैंडिंग इनकेस अगर कोड आपका यूज नहीं हो पा रहा है कब कुछ लोगों ने मैसेज किया था डी टू सेवन और डी पी एस लाइव वॉज नॉट वर्किंग डू इज जस्ट मैसेज द टीम दे विल अवेलेबल इन हिंदी ऑल्सो तो वो आप ऑर्डर कर सकते हैं चलिए फटाफट क्विकली वील मूव ऑन टू द फर्स्ट एडिटोरियल आज दो तीन चीजें देखनी है एक तो एडिटोरियल है हमारा केरला को लेके दिस इज द लाइट रेल प्रोजेक्ट विच हैज कम इन टू कॉन्ट्रवर्सी खैर पहले से ही था कॉन्ट्रवर्सी में बिकॉज एक तो इकोलॉजिकली तो सेंसिटिव एरिया से सोकॉल so पूरा वेस्टर्न घाट से ही जा रहा है ये तो वैसे ही प्रॉब्लमेटिक है दूसरा आर्टिकल इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑन सलवा जुदू उसका आज जजमेंट के दस साल हो गए हैं एंड उसके ऊपर आया है तो छत्तीसगढ़ इंटरनल सिक्योरिटी माओविस्ट इन्फेक्टेड एरियाज उसके ऊपर है बाकी एज यू नो दैट अफगानिस्तान से यूएस ट्रूप्स आर पुलिंग आउट तो एक इन्फोग्राफिक आया था फोर्थ को एंड uh, आज भी आया है इसमें इंडियन एक्सप्रेस में डिटेल तो उसको हम लोग कवरअप करेंगे यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू की वॉट आर द पॉसिबल इम्प्लीकेशन तो ये तीन मेजर टॉपिक्स हैं बाकी तो खैर वी है हम लोग अप करेंगे फर्स्ट आर्टिकल फॉर टुडे इज मोनो रेल और द हाई स्पीड रेल और द लाइट रेल जो ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं केरला में एंड व्हाट आर द पॉसिबल इम्प्लीकेशन फॉर दैट सो लेट मी जस्ट जूम द स ऑल्व फॉर ऑल फ्यू तो एज यू नो अगर आप देखेंगे ये जो मैप है देर ट्राइंग टू बिल्ड दिसम्याई हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है एंड दे वांट टू कनेक्ट यू नो कासरकोड एंड कन्नूर कोजीकोड तिरूर थ्रिसूर एंड ऑल ऑफ दिस प्लेसिस तो अभी क्या है ये प्रोजेक्ट हैज़ रन इन लिटिल बिट ऑफ कॉन्ट्रवर्सी क्यों क्योंकि ऑब्वियसली आप देखो केरला इज एनी वे वेरी इकोलॉजिकली सेंसिटिव प्लेस ठीक है वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्सपर्ट्स पैनल था आपको याद होगा गार्डगिल जी की कमेटी थी फिर एक ओमन कमेटी आई उसके बाद सब ने रिकमेंड किया कि इसको डिक्लेयर कर देना चाहिए एज अ नो कंस्ट्रक्शन जोन तो आयरन और माइनिंग तो खैर बंद हो गई बहुत सारी जगह इट्स नॉट जस्ट इन केरला इंटायर वेस्टर्न घाट्स की बात की गई थी बट देर आर अदर माइनिंग एक्टिविटी जो वो भी यू नो दे आर कैरिड आउट प्लस यहाँ पे आप देखो रेनफॉल इज वन ऑफ द हाइस्ट इन द इन 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 द वर्ल्ड ऑल्सो नॉट जस्ट इन इंडिया इन इन यू नो अमंग्स द Places which receives the highest amount of rainfall. तो वो भी यहाँ पे होता है इससे क्या होगा आपके यहाँ पे वॉटर बॉडीज हैं वेटलैंड हैं राइस कल्टिवेशन होता है ठीक है आपको एलोपी इज द्लेस ठीक है पूरे यहाँ पे आप देखोगे जहाँ पे राइस कल्टिवेशन इज बिलो सी लेवल तो फूड सिक्योरिटी की भी बात है यहाँ पे फूड सिक्योरिटी भी थ्रेटन हो रही है प्लस ये जो सेंसिटिव एरिया है वहां पे रॉक्स जो हैं वो बड़े फ्रेजाइल हैं तो जरा सा भी आप उनको ज्यादा हिलाओगे तो टूट के गिर जाएंगे बिकॉज दे आर ऑल एनी वे सुपर चार्ज विद वाटर वाटर क्या है इज एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन तो वाटर क्या करेगा डीन कर देगा ड्यूनिनेशनल एक्टिविटी है Plus, rightly pointed out by some of you, ये ठीक है प्लस राइटली पॉइंटेड आउट बाई सम में यह सी आर जेड के रूल्स को भी वायलेट करेगा आवाज़ स्लो आ रही है ये आवाज़ स्लो का लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता मतलब आई एम नॉट यूज़िंग एयरफोन्स टुडे बट ये नॉर्मल जो ईयरफोन है उसमें पता नहीं मतलब नॉर्मल आवाज़ में क्यों ऐसा होता है आ, या तो मैं ईयरफोन्स लगाऊं। ईयरफोन्स में आवाज़ थोड़ी क्रैकलिंग सी रहती है मी सी ओके ओके इज इट बेटर नाउ अब ये आवाज ठीक है okay, मतलब जस्ट वांट टू चेक बिकॉज अभी मैंने ईयरफोन्स लगा दिया है तो अगर ये बेटर है या पहले वाला बेटर था इज दिस बेटर और द प्रीवियस वन पिछले वाला बेटर था या अभी जल्दी बताओ फटाफट इज दिस बेटर और द प्रीवियस वन वाज बेटर बिकॉज एक तो माइक है जो नॉर्मली है वो फिल्टर करके आ रहा है थोड़ी आवाज उसमें बेटर आती है इसमें थोड़ी सी वॉइस क्योंकि एक्सटर्नल माइक है तो थोड़ा चलो ठीक है एनी वन सो वील कंटिन्यू विद दिस क्योंकि इसमें चलो कम लोगों को थोड़ा इश्यू होता है विद यू नो वॉइस के इशू से anyway, तो एनीवे सो सीआरजेड क्या होता है इसको हम बोलते हैं कोस्टल रेगुलेशन जोन सीआरजेड मींस कोस्टल रेगुलेशन ज़ोन इसमें अलग अलग जोन में बांटा गया है ताकि आप देखोगे कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जनरली कोस्टल एरिया के आसपास नहीं हो सकता केरला में वैसे भी देखो बहुत सारे केसेस हो चुके हैं बिल्डिंग की डिमोलिशन भी हो चुकी है तो कोस्टल रेगुलेशन जोन में आप देखोगे की <coughs> दोनों ऑन कर दूंगा तो एक करेगा दोनों साथ साथ चलेगा फिर एनी वे तो कोस्टल रेगुलेशन जोन जो है ये भी वायलेट होगा कहीं कही ना कहीं तो अब इसमें बोला जा रहा है कि अगर इतना कंसर्न है सो वाई टू गो हेड विद दिस प्रोजेक्ट ठीक है तो वाई टू गो हेड विद दिस प्रोजेक्ट सो दैट इज वाई देर सजेस्टेड देर आर देर आर ऑल्टरनेटिव बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हैं क्यों ऐसा काम करना जहां पे बाद में दिक्कत हो ऑल्टरनेटिव क्यों देर इज ऑलरेडी अ डबल लेन रेलवे इन डबल लाइन रेलवे ऑलरेडी है यहाँ पे वाई डोंट यूज दैट प्लस रोड्स वहाँ पे अच्छी हैं मतलब और भी काम चल रहा है एंड द मोस्ट पता है मोस्ट ऑल्टरनेटिव या वायबल ऑल्टरनेटिव क्या होगा कि आप इतना बड़ा जो कोस्ट लाइन है उसको यूज़ करो ना सर वाटर वे बनाओ सजेशन ये है कि सर आप वाटर वे बनाइए कनेक्ट करिए फेरी सर्विस से इससे बेटर क्या हो सकता है फेरी सर्विस कनेक्ट करो पूरा का पूरा स्ट्रेच में मतलब ये तो और भी अच्छी बात है कि पूरा का पूरा आप देखो स्टेट जो है वो एरिया जो है केरला का वो स्ट्रेच में है तो ये पूरे एरिया में आप इन सब चीजों को बनाए प्रोजेक्ट you know, या मोनो या जो जो भी लाइट रेल प्रोजेक्ट है बोल दो. क्योंकि बहुत सारे लोगों के कंसर्न प्लस आप ऑलरेडी देखो देर इज अ प्रॉब्लम ऑफ एनक्रोचमेंट बाई माफिया वहां पे वैसे ही रूल और कब्जा कर लेते हैं अभी क्या होगा कंस्ट्रक्शन होगा तो यहाँ पे कुछ जो एरियाज हैं उनपे आप देखोगे कि जो की जो कंस्ट्रक्शन की वजह से कुछ और इंक्रोचमेंट बढ़ जाएगा वैसे ही वहां के फॉरेस्ट जो है वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है प्रिस्टीन फॉरेस्ट हैं स्पीशीज भी बहुत सारे एंडेमिक हैं तो कहीं ना कहीं इस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से अफेक्ट होंगे बट वहीं पे अगर आप फेरी सर्विस कराओगे तो फॉरेस्ट तो बच जाएंगे हमारे ठीक है and... एंड आप be यहाँ पे बना दो यहाँ पे बना दो फेरी सर्विस रोड से कनेक्ट कर दोस्ट कट you know, करते हुए उसके अलावा कोई और है क्लास में जो जिसका कोई ओपिनियन हो स्पेसिफिकली ऑन दिस टॉपिक फेरी वॉटर वे फेरी बोट सर्विस and I'm just asking anybody anybody from Kerala who has an opinion on this. Just a second. <laughs> किसी के कोई विचार इस बारे में क्या लगता है? ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? What to do, what not to do? ठीक है तो देखिए बेसिकली जो पॉइंट्स वहां पे बताए थे वो मैंने आपको ऑलरेडी यहां पे हाईलाइट कर दिए हैं ठीक है व्हाट एवर वॉज मैंशन आई ऑलरेडी हाईलाइटेड डू टू वरियर तो दैट इज वॉट देव हाईलाइट वी हैव In इनफैक्ट हमने पूरा आर्टिकल समराइज कर लिया इसमें और कुछ है नहीं डिस्कस करने का तो देर इज an you know रॉक की surface दैट इज प्रोन टू क्रम्बलिंग हमने वो भी बात कर लिया तो so, पूरा आर्टिकल हमने जो है यहाँ पे डिस्कस कर लिया सजेशंस सजेशन एंड ऑल्टरनेटिव में भी उन्होंने ये चीज बोली है That नथिंग प्रिवेंट्स द गवर्मेंट फ्रॉम डेवलपिंग अ सी बॉर्न फेरी सर्विस कनेक्टिंग दिस तिरुवंतपुरम विद कासर गोड एंड ऑल द पोर्स इन तो देखिए सबसे अच्छी बात तो ये है ना कि पूरा का पूरा एरिया आप देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इट इज ऑल रनिंग थ्रू द कोस्ट लाइन एंड कोस्ट लाइन से क्या बेटर है कि आप देखो कोस्ट लाइन के साथ यू कैन ऑलवेज कनेक्टेड थ्रू द बैक वाटर्स सर ये तो पूरा का पूरा आपको पता ही ना लगून है यहाँ पे तो कयाल्स बोलते हैं जिनको पूरा का पूरा अंदर तक एक्सेस मिला हुआ है आपको तो आपकी ऑलरेडी बोट सर्विस है वहाँ पे ऑलरेडी लोग वहाँ के लोकल यूज करते हैं आप वहाँ पे बनाइए उसको ऑलरेडी तो बोट यूज होता ही है तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि आपके पास कोस्ट लाइन से इनलैंड एक्सेस है इनलैंड वाटरवे बना सकते हो आप यू हैव बैक वाटर इन केरला इससे बेटर क्या मिलेगा तो यूटिलाइज आप नेदरलैंड से देखो आप वेनिस से देखो पूरे के पूरे वहां पे तो गाड़ियां चलती नहीं है वहां पे नेदरलैंड्स में या तो लोग साइकिल से जाते हैं या फिर लोग बोट से चलते हैं अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ गया वहां देखो पूरे वाटरवे बना हुआ है कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं लोग वहां पे चलते ही नहीं गाड़ी साइड से बहुत कम लेन्स हैं वहां पे गाड़ियां चलती हैं या मेजरली लोग साइकिल से चलते हैं या फिर देखो साइकिल रेस्टोर से लोग बोटी बोट से चलते हैं वहां पे वनिस में देखो आप तो यूटिलाइज द नेचुरल जो रिसोर्सेज या नेचुरल जो आपका टोपोग्राफी उसको एडवांटेज में लेने का इससे बेटर तरीका तो हो ही नहीं सकता सी प्लेन तो खैर ऑलरेडी है गुजरात में आसपास भी आप देखो गुजरात में घोगा दहेज फेरी सर्विस स्टार्ट की गई थी तो आई थिंक देर आर लॉट ऑफ ऑल्टरनेटिव मच वायबल एंड बेटर ऑल्टरनेटिव आर अवेलेबल सो आई थिंक ये थोड़ा सरकार को वहाँ के केरला को सोचना चाहिए कि ये कैन दे गो अहेड विद दिस प्रोजेक्ट कंसिडरिंग दी इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन एंड ऑल्सो नॉट जस्ट इकोलॉजिकल दिज आर ऑल्सो ह्यूमन एंड सोशल इम्पैक्ट जो इससे क्रिएट होगा वो भी इनको सोचना पड़ेगा मूविंग ऑन टू द द नेक्स्ट टॉपिक अगला आर्टिकल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है दिस इज अबाउट सलवा जुदूम अब जिन लोगों को नहीं पता सलवा क्या है सलवा जुदूम वॉज अ बेसिकली मूवमेंट और कह सकते हो तो एक तरीके का ऑपरेशन जो वहां पर चालू किया गया छत्तीसगढ़ में टू फाइट द माओविस्ट इसमें क्या किया गया वहां के जो लोकल ट्राइबल्स थे उनको बेचारों को थोड़ी बहुत बिना ट्रेनिंग दिए वेपन्स दे दिया और उनको बोला गया कि जाओ माओस्ट लोग से लड़ो अब बेचारों को कोई फॉर्मल ट्रेनिंग तो मिली नहीं माओविस्ट लोग के सामने कैसे खड़े हो जाएंगे एंड जाके ये बेचारे लड़ने जाते थे तो देवर वेरी इजिली आउट नंबर्ड या फिर दे वर नॉट दैट टैक्टिकल और कह सकते हो कि उतने प्रॉपरली इक्विप्ड भी नहीं थे एंड उनकी ट्रेनिंग हुई नहीं थी तो माओिस के सामने दीज पीपल डिड नॉट है चांस तो इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था दस साल पहले

जाओ लड़ो या लड़ो मारो या मरो तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया बहुत फेमस था ये तो इसको माना गया कि भाई इट इज़ ह्यूमन राइट वायलेशन वायलेटिंग ऑल द राइट्स इक्वालिटी भी वायलेट कर रहा है आर्टिकल ट्वेंटी वन भी वायलेट कर रहा है बहुत सारी चीजों को वायलेट कर रहा है सो so, सलवा जुदूम जो एरिया है मेजरली आप देखोगे दंतेवाड़ा बस्तर इन छत्तीसगढ़ द मेजरली लेफ्ट विंग इफेक्टेड एरियाज जहां पर ये ट्राइबल्स को पकड़ के सीआरपीएफ वाले बोलते थे तो जाओ बंदूक लो और जाके लड़ो क्योंकि ऑब्वियसली बात है वहाँ पे जो माविस्ट हैं दे यूज़ टू रिक्रूट ट्राइबल्स तो पुलिस वालों ने सोचा बेटर है कि वो रिक्रूट करें हम रिक्रूट करके इनको वी विल सेंड देम टू यू नो गो एंड फाइट दी माओस्ट प्रॉब्लम क्या हो गई कि ये सलवा जदूम में जो ये ट्राइबल्स थे माओविस्ट से तो लड़ी रहे थे बट एट द सेम टाइम अगर कोई गांव वाले किसी माओविस्ट को हेल्प कर रहे थे तो ये गांव वालों को भी मार देते थे दीज पीपल यूज टू किल द विलेजर्स ऑल्सो और कई जगह केसेस आए जहां पे विजेज वेयर सेट ऑन फायर नॉट जस्ट बाई देम बट इवन बाई सी आर पी एफ पुलिस पर्सनल इनफैक्ट सी बी आई ने केसेस भी रजिस्टर किए हुए पे एन एच आर सी ने भी कंसर्न रेज किया हुआ है इनफैक्ट जो राइटर हैं शी इज असर ऑफ सोशोलॉजी एंड शी हैजी वन ऑफ द पटिशनर्सोन पटिशनर्स हैं जिन्होंने फाइल किया था केस अगेंस्ट दी आर पी एफ फॉर ह्यूमन राइट्स वायोलेशन आप देखो हमने जब इंटरनल सिक्योरिटी का जो मेरा प्लस कोर्स है उसमें पूरा डिटेल में टॉपिक पढ़ा नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी पढ़ा जम्मू एंड कश्मीर मिलिटेंसी पढ़ा हर जगह हमने पाया जहां पे भी पुलिस फोर्सेस के पास एक्सेस पावर आ जाती है वहां पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह आप देखोगे एक या किसी फॉर्म में कोई ना कोई एक दो ह्यूमन राइट वायलेशन केसेस आते हैं दैट इज बिकॉज समटाइम्स एक्सेस पावर तो वो ना यू ट्राई टेंट टू लूज कंट्रोल तो इस वजह से भी आप देखोगे कि अः ये भी एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न रहता है तो यहां पे भी, भी सेम चीज देखने को मिली कि यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे भी, भी आप देखेंगे सेम चीज है तो सलवा ज़िदुम के बारे में देखेंगे दस साल पहले पांच जुलाई दो को जस्टिस निज्जर एंड रेड्डी साहब की एक हिस्टोरिक जजमेंट था जहां पे सलवा जिदूम को बैन किया गया एंड जजेस ऑल्सो रूल उन्होंने ये भी बोला कि ये जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स का जो दर्जा दिया है इनको इन माओविस्ट ऑपरेशन से हटा के इनको किसी और चीज़ एक्टिविटी में लगाया जाए तो इनको बोला गया कि आप ट्रैफिक मैनेजमेंट में लगा दो या ऐसी इसी भी काम में लगा दो जहां पे कॉम्बैट से रिलेटेड कोई काम ना हो क्योंकि अब आप आपने एसपीओ बना ही दिया है तो बेटर दैट यू यूज देम फॉर सम बेटर पर्पजेज तो अलॉट ऑफ विलेजर्स सफ़र फ्रॉम वायलेंस ठीक है बहुत सारे जो थे गाँव वाले बेचारे वो भी सफ़र किया उन्होंने एंड अब क्या हुआ है कि दस साल बाद उस जजमेंट को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया ठीक है एंड इन लोगों को अब नाम चेंज करके क्या बोल दिया गया दे आर नाउ नोन एज डी आर जी डी आर जी मीन्स डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स एंड मेजरली जो इसमें लोग हैं पता कौन है इसमें एक तो गांव वाले हैं प्लस दे आर मोस्टली कैप्चर्ड और सरेंडर्ड माओविस्ट जिनको मेट वेपन्स दे दिए हैं एंड अभी भी केसेस आते हैं कि ये लोग उसको मिस यूज करते हैं इनफैक्ट ये जो सरेंडर्ड माओवेस्ट हैं ये लोग ही गांव वालों को मार देते हैं कई बार किसी भी चीज को लेकर डिस्प्यूट होगा तो दे किल देम दे पुट दे हाउस ऑन फायर गाँव गाँव गांव के पूरे गाँव को आग लगा देते हैं तो ऐसी भी कैजुअलिटीज अभी भी देखने को मिल रही है और इस वजह से आप देखोगे अभी भी पिटिशन इसकी पेंडिंग चल रही है सुप्रीम कोर्ट में और अभी तक इस पर कोई डिसीजन नहीं आया है

जो नहीं मानते थे गांव वाले क्योंकि ये लोकल्स थे तो इन लोग उनको मारते पीटते थे और कभी कभी उनके घर भी जला देते थे ताकि वो लोग वहां से भाग जाएं अब सीआरपीएफ को गांव क्यों चाहिए था बिकॉज सीआरपीएफ को अपने बेसिस बनाने होते हैं सो दैट दे कैन टैकल फॉर काउंटर काउंटर इंसर्जेंसी एंड नक्सलिज्म ऑपरेशन तो इस वजह से आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ दि पीपल वर एक तो देखो ट्राइबल्स ऊपर से बेचारे क्या है उनको आप अपने जो है गांव से जो उनकी जमीन है उससे आप उनको बाहर निकाल रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कि दे विल फील बैड तो वो कुछ कर नहीं पाते थे तो ये जो एस पी ओज हैं सो कॉल्ड so ये सलवा जुदूम वाले जो हैं इन लोगों का आप देखोगे कि एक तो ये खुद भी वहां को बिलोंग करते थे बट दे हैड नो सिंपती फॉर देयर ओन पीपल बिकॉज नाउ यू हैड वेपन्स एंड पावर तो इस वजह से आप देखोगे कई सारे केसेस इनके खिलाफ भी चल रहे हैं इनफैक्ट एस पी ओज के खिलाफ भी केसेस फाइल किए गए हैं जो सी बी आई इन्वेस्टिगेट कर रहा है अब क्या हो गया ये जो सलवा जुदूम के कैंप है आज के टाइम पे दे आर वर्चुअली एम्प्टी ठीक है एंड मोस्टली आप देखोगे जगह खाली पड़ी बट वहाँ पे अभी भी सी का कैंप्स बने हुए हैं सो यू कैन सी लॉट ऑफ दीज एरियाज़ जहां पे सी अभी भी बहुत ज्यादा नंबर में डिप्लॉयड है एंड इनफैक्ट द ओनली सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन टू हैव बीन इंप्लीमेंटेड केस बिगैन वॉज देट दिक्योरिटी फोर्सेज वकेट द स्कूल्स वेर कैंप्ड बट दैट इज बिकॉज विद इट्स ओन लार्ज टेक ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट फील्ड सी आर नो लॉन्गर हैज एनी यूज फॉर दीज रूल स्ट्रक्चर तो जहाँ पर इन्होंने जिन गाँवों पे इन्होंने कब्जा करके जो गाँव क्लियर किए थे वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप इनको हटाइए और वापस भेजिए वहां पे बट बहुत सारी जो है अब जमीन बिल्कुल बेकार हो चुकी है जो जो कैंप्स हैं जो विलेजेस हैं वो बेकार हो चुके हैं वो रून स्ट्रक्चर्स में पड़े हुए हैं तो यहाँ पे कुछ गाँव के नाम दिए जैसे ताजमहतेला तीमरपुरम मोरपल्ली अब ये गाँव वो गाँव थे जिनको सिक्योरिटी फोर्सेज ने जला दिया थे वो बर्न ड्यूरिंग माओवेस्ट ऑपरेशन तो बेचारे जो गांव वाले थे दे हैड टू ट्रैवल सेवरल टू दिस सीआरपीएफ कैंप्स तो एनएचआरसी ने भी इसके बारे में कई बार बोला हुआ है सीबीआई भी केस इन्वेस्टिगेट कर रही है इनफैक्ट जो आर्टिकल जिन्होंने लिखा है उनके खिलाफ भी एक केस चल रहा है कि इन्होंने फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया एन एटसेट्रा एसेट्रा बाय द सी तो अब इन्होंने बाद में ये चीज लिखी है कि आप देखो मल्टीपल सरकारें आ चुकी हैं छत्तीसगढ़ में पहले बीजेपी थी फिर छस, फिर कांग्रेस फिर बीजेपी फिर कांग्रेस तो हर सरकार आके प्रॉमिस करती है कि हम इसको रिफॉर्म करेंगे इनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी में डालेंगे यहां पे लोगों की हेल्प करेंगे बट कुछ भी यहां पे इनके लिए नहीं हो रहा है अभी बेचारे ट्राइबल्स अभी द मोस्ट दे आर स्टिल द मोस्ट एलिनेटेड पीपल अभी भी आप देखोगे माओविस्ट कंट्रोल थोड़ा कम हुआ है बट फिर भी खत्म नहीं हुआ है माओविस्ट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अभी भी है इनफैक्ट हमने डिस्कस भी किया था इसके बारे में एक पहले भी आर्टिकल आया था कि नाउ दे आर स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम छत्तीसगढ़ टू झारखंड टू नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के एरिया में फैल रहा है अभी तो वहाँ पे दे आर नाउ इन टच विद दीज नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी ग्रुप्स उसी के बारे में बताया तो सलवा जदूम अगर आपको नहीं पता है तो उसके बारे में आर्टिकल था एंड टॉक्स अबाउट हाउ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हैव आल्सो टेकन प्लेस इन सीआरपीएफ एट द इन द सीआरपीएफ कैंप्स इन द नेम ऑफ एंटी मावस्ट ऑपरेशंस तो दोनों तरफ से देखो को, ना कोई एक चीज़ सही है ना कोई एक इंसान गलत है दोनों तरफ से एक्चुअली में प्रॉब्लम है तो उस चीज़ को यहाँ पे एड्रेस uh, करने की इन्होंने बात की है सो दिस वाज बेसिकली रिगार्डिंग द जजमेंट विच हेड कम रिगार्डिंग सलवा बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ठीक है आपने न्यूटन मूवी जो थी उसमें देखा होगा कि वो पूरा का पूरा एक गांव जला हुआ था वो सीन याद है जहां पे वो पोलिंग स्टेशन था जहां पे गाँव पूरा जला हुआ था सब लोगों को याद होगा आप लोगों को तो वो रियालिटी दिखाता है कि कैसे वो गाँव को जला दिया जाता है बोलते हैं कि वो नक्सल ऑपरेशंस के लिए बट कई बार क्या होता है कि जानबूझ के वो गांव को चलाया जाता है सो so दैट वहाँ पे पुलिस फोर्सेस अपना कैंप बना पाए या फिर ये जो सलवा जदूम क्योंकि मोस्ट ऑफ देम सलवा जदूम में वो लोग हैं जिन्होंने जो, जो पहले माओविस्ट रह चुके हैं उन्हें पता है कि कैसे ऑपरेट करते हैं बट कहीं ना कहीं वो क्या है वो गुस्सा या फिर आप कह सकते हो कि वो जो आ, एक एक तरीके का एंग्विश है वो कहीं ना कहीं वहाँ के लोकल विलेजर्स पर निकल जाता है ठीक है चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ न्यूज ममता दीदी के पास बहुत ही चैलेंजेस है कैसे चैलेंज है क्योंकि जब तीरथ जी नहीं हो पाया बाईपोल्स तो अब बाईपोल्स ममता दीदी के लिए कैसे होगा और वैसे ही गवर्नर वहां पे आप देख लो कि ज्यादा कोई फेवरेवर में है नहीं उनके तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट सर एंड मैम बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए वो बोलता है कि भाई विद इन सिक्स मंथ्स कराना होता है बाईपोल सिक्स मंथ्स के अंदर नहीं करा पा रहे हैं तो उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि नहीं करा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सर्टन कंटेंजेंसी तो अभी क्या बोला जा रहा है कि कोविड नाइन्टीन की कंटेंजेंसी है इस कोविड वायरस की जो कंटेंजेंसी इस वजह से नहीं करा पा रहे हैं इलेक्शंस दैट इज द पॉइंट उत्तराखंड में थोड़ा केस अलग था उत्तराखंड में आप देखोगे एक साल से कम का टेन्य रह गया है सरकार का तो वो कह रहे हैं कि भाई उत्तराखंड में सिचुएशन uh, थोड़ी अलग है बट टेक्निकली वो भी थोड़ा पॉलिटिक्स है तो यहां पे आप इनके सपोर्ट में ऑलरेडी एक एमएलए रिज़ाइन कर चुके हैं ठीक है प्लस देर आर अदर सीट्स आल्सो जो खाली हो चुकी हैं यहाँ पे यहाँ पे आप देखोगे सात असेंबली सीट्स हैं जहाँ खाली हैं भवानीपुर से लेके शमशेरगंज सूती से लेके मुर्शिदाबाद जहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स की डेथ हो गई कुछ ने ओथ नहीं ली जो जीतने वाले कैंडिडेट दोनों ने बोला हम क्या करेंगे यहाँ पे मेजोरिटी तो है नहीं तो और एक ने भाई साहब ने तो इनके फेवर में ऑलरेडी सीट दे दी तो जो ये शोभन देव चोटोपाध्याय इन्होंने अपनी सीट से रिजाइन कर दिया कि ममता दीदी जीत जाए बट अभी इलेक्शन होने की कोई सिचुएशन लग नहीं रही है अब इनके पास यही चैलेंज है कि दीदी बोल रही है इलेक्शन कराओ इलेक्शन कराओ पॉइंट ये है अब दोनों पर्सपेक्टिव को देखते हैं दीदी इज राइट टू से कि भाई इलेक्शन कराओ बिकॉज सिक्स मंथ्स के अंदर कराना चाहिए नहीं तो ये इनको फिर रिजाइन करना पड़ेगा बट रिजाइन करने के बाद शी कैन अगेन बी रीअपॉइंटेड क्योंकि मेजोरिटी तो है इनके पास बट वो जनरली क्या होता है गवर्नर थोड़े जो है आप देखोगे गवर्नर इज नॉट इन टू मच इन फेवर ऑफ दीदी और वैसे जैसे भी हालात रहे आफ्टर इलेक्शन आप देखोगे जो गवर्नर साहब हैं वो इतना ज्यादा इनके फेवर में रहते नहीं है तो एक बार अगर इन्होंने रिजाइन कर दिया तो फिर कुछ भी होने की पॉसिबिलिटी है अब प्रॉब्लम ये है अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये यह है कि आप देखोगे कि ममता दीदी तो ये बोल रही हैं कि आप इलेक्शन करवाइए और दूसरी तरफ वो बोल रही हैं कि वहां पे लोकल बॉडी इलेक्शन है उसको ना करवाइए तो अपने इलेक्शन के लिए तो दीदी बोल रही हैं कि हमारा बाईपोल तो आप करा दो बट लोकल बॉडी जो इलेक्शन होने थे उसको लिए वो मना कर रही है कि नहीं नहीं होना चाहिए तो एक पॉइंट ये भी हो सकता है दीदी का कि भाई बाईपोल जो है सिर्फ सात सीटों के लिए है भाई सात सीट लेकिन वो आप इमेजिन करो कहाँ पे एक सात सीट जो है और पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब पूरा एक एरिया एक तरीके से आप समझ लो एक डिस्ट्रिक्ट या दो डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा हो सकता है तो वहां पे ज्यादा लोग आएंगे एज कम्पेयर टू बाईपोल्स इन म्यूनिसिपल पोल्स अगर आप कराओगे तो आप लिमिटेड फेस तरीके में करा सकते हो तो या तो फिर कोविड है तो हर जगह कोविड है फिर ये लॉजिक नहीं हो सकता ना कि सिर्फ बाईपोल करा दो और म्युनिसिपल पोल्स मत कराओ कराना है तो दोनों जगह करा दो फिर तो फिर सबको ही हो जाए कोविड

बाईपोल्स क्योंकि बाईपोल्स में जो सात सीट है उससे गेम चेंज हो सकता है राज्यसभा के इलेक्शन का तो दीदी बहुत सारे रिपोर्मिटेशन है इसमें दीदी वॉन्स की बाईपोल पहले हो जाए जिससे उनके एम एल जीत जाए और राज्यसभा की सीट पर उनका कंट्रोल आ जाए गवर्नमेंट चाहती है राज्यसभा का पहले हो जाए बाईपोल बाद में हो जाए तब तो तक दीदी जैसे भी है ऐसे चला रही है ऐसे चलाते रहे और दूसरा दीदी इज नॉट वेरी मच रेडी टू कंडक्ट द्यूनिसिपल पोल्स तो बड़े ही दिक्कत है बहुत ही पेच लगे हुए हैं आपके तो इन सबको समझने के लिए हमें पॉलिटिक्स में जाना पड़ेगा एनी anyway, वे आते हैं अगली इंटरनेशनल रिलेशन की न्यूज पे बहुत इंपॉर्टेंट है टेन किल्ड इन अल शबाब अटैक ऑन मोगा दिशू टी शॉप एज यू नो ये सोमालिया का जो कैपिटल है टेक्निकली जो सोमालिया की सरकार वाला कैपिटल है मोगा दिशू क्योंकि सोमालिया वो तीन पार्ट में एक्चुअली बटा हुआ है तो एक तो जो है आपका गवर्नमेंट कंट्रोल है ये पोर्शन एक आपका पुंत लैंड है एक आपका सोमाली लैंड है तो सोमाली लैंड और पुंत लैंड अलग अलग लोग कंट्रोल करते हैं अब अल शबाब जो है वो सबसे बड़ा टेररिस्ट ग्रुप और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है आपके अफ्रीकन रीजन का स्पेशली इन सोमालिया एंड दे हैव डायरेक्ट लिंक्स जैसा कि हमने बात की थी अलकायदा से भी इनफैक्ट आइसिस से भी इनके डायरेक्ट लिंक थे तो उन्होंने अभी वहां पे टेररिस्ट अटैक कैरी आउट किया है और आप अगर आप देखोगे ये इथियोपिया और ऊपर आप देखोगे टिगरे रीजन में वैसे भी लड़ाई चल रही है उसका नेबरिंग बॉर्डर है तो इथियोपिया ने कई बार कंसर्न रेज किया हुआ है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं ये सोमालिया से होके इनकी कंट्री में आ जाते हैं प्रो आइसिस मिलिटेंट्स के कैंप आपको बहुत सारी जगह मिलेंगे अल शबाब का बेस आप देखो मोगू से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ग्रीन वाला एरिया यहाँ पे प्रो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है तो अल शबाब एज अ वेरी Uh, कह सकते हो स्ट्रांग काफी सिग्निफिकेंट स्ट्रांग होल्ड है इन सोमालिया तो वो कई बार ये जो लोन वुल्फ अटैक या सुसाइड अटैक कराते रहते हैं वहाँ पे एंड uh, बाकी तो आपको खैर पता ही यहाँ के लोग जो हैं पायरेट्स बनने में बड़े एक्सपर्ट हैं uh, कौशल कोई जरूरी नहीं है आपको इंडियन एक्सप्रेस मोबाइल में पढ़ रहे हो अच्छी बातें पढ़ते रहिए हम लोग वैसे हिंदू इंडियन एक्सप्रेस दोनों की न्यूज़ को कवर करते हैं इनफैक्ट आज आप देखोगे इंडियन एक्सप्रेस में बहुत अच्छे दो तीन टॉपिक्स आए हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे तो जैसे ये आप देखोगे एंटी ट्रैफिकिंग बिल ये एंटी ट्रैफिकिंग बिल जो है ड्राफ्ट पार्लियामेंट में टेबल होना है और ये जो है आज के सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस में आए हिंदू में स्पेसिफिकली इसको कवर नहीं किया गया है तो क्या इस बिल में स्कोप है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ये जी एस के लिए भी और जी एस में इंटरनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए भी

एक्स्ट्रा और क्या करना चाहिए तो इसके प्रोविजन के बारे में बात करते हैं दिस न्यूज वॉज ओनली इन इंडियन एक्सप्रेस एंड नॉट इन द हिंदू प्रोबेबली हिंदू में कल या परसों आ जाएगी बट कोई बात नहीं हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं तो बिल जनरली क्या होता है देखिए पहले मिनिस्ट्री सबमिट करती है कि वो क्या नया चेंजेस लेके आ रही है मिनिस्ट्री जो बिल सबमिट करती है या जो ड्राफ्ट रेगुलेशन होते हैं वो फिर जाता है कैबिनेट के पास बिकॉज कैबिनेट इज द मेन बॉडी जो सब चीज़ अप्रूव करती है जब कैबिनेट अप्रूव कर देती है लेड बाय प्राइम मिनिस्टर फिर वो जाके पार्लियामेंट में वो मिनिस्ट्री या मिनिस्टर जो है उसको टेबल करते हैं बिल को तो इस बार जो मानसून सेशन होगा उसमें ये बिल प्रेजेंट किया जाएगा तो इसमें जो है आ, मिनिस्ट्री बोल रही कि आप 14 जुलाई तक हमें रिकमेंडेशन भेज दीजिए तो, तो, आप लोग भी भेजेगा यूपीएससी एसपर आप लोग को तो खैर पता ही है एंटी ट्रैफिकिंग के बारे में तो यू पीपल शुड आल्सो सेंड योर सजेशंस सो तो इसमें आप देखोगे एक प्रीवियस ड्राफ्ट भी था 2018 में जिसको पास किया था लोकसभा में बट क्या हुआ बाद में

At the time of commission of offence under this act, and the law will apply to every offence of trafficking in person with cross-border implication. कहीं पे भी अगर वो इंडिया इंडियन है बाहर है कहीं भी अगर इंडिया से उसका लिंक है चाहे वो फॉरेन नेशनली हो रेसिडेंस इन इंडिया विल बी प्रोसिक्यूटेड अंडर दिस एंटी ट्रैफिकिंग प्रोविजन उसके अलावा प्रॉपर्टी सीज करने का भी यहां पे प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट करने का भी प्रोविजन डाला गया है प्रॉपर्टी ब्रॉट सच इनकम एज वेल एज यूज फॉर ट्रैफिकिंग एंड नाउ बी फॉरफिटेड विद प्रोविजन सेट इन प्लेस ऑल्सो द स्कोप ऑफ बिल विजा वी ऑफेंडर इंक्लूड डिफेंस पर्सनल एंड गवर्नमेंट सर्वेंस डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ एन वन इन अ पोजिशन ऑफ अथॉरिटी तो इसमें आप क्या है? एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज डाल दी क्योंकि कई बार ये पाया गया कि ट्रैफिकिंग में कई बार आप देखोगे कोई हाई प्रोफाइल लोग भी इन्वॉल्व होते हैं तो इसमें क्या किया गया है स्कोप ऑफ बिल को एक्सपैंड किया गया है कि इसमें ऑफेंडर्स गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी हो सकते हैं इसमें ऑफेंडर्स आपके डॉक्टर्स मतलब जो भी आपके मेडिकल स्टाफ सिविल सर्वेंट्स पैरामेडिकल स्टाफ कहीं से भी क्योंकि देखो ट्रैफिकिंग ह्यूमन में मल्टीपल तरीके से होती है हॉस्पिटल से हो रही है चाइल्ड केयर सेंटर से हो रही है वुमेन केयर सेंटर से हो रही है तो अगर कहीं पे भी नेक्सेस पाया जाएगा बिटवीन पॉलिटिशिय गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट प्राइवेट uh, एंटिटी सब लोगों को वाइट कॉलर क्राइम्स को भी यहां पे कवर किया गया तो इसमें uh, जो एक्सपर्ट्स हैं वो बोल रहे हैं कि बहुत ही वेल थॉट आउट और वेल क्राफ्टेड प्रोविजन है बिकॉज पहली बार आप देखोगे स्पेसिफिकली मैंशन किया गया है पीपल इन हाई प्रोफाइल पोजिशन विल ऑल्सो बी प्रोसिक्यूटेड इन दिस एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट पता है क्या एनआईए विल बी द मेन बॉडी जो एंटी टेरर की बॉडी है वो एन इन्वेस्टिगेट करेगी आपके एंटी ट्रैफिकिंग को लेकर तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोविजन होंगे तो विच इज वेरी सीरियस अबाउट ट्रैकिंग डाउन दीज ऑफेंसेस तो एंटी ट्रैफिकिंग जो है आप देखो ऑर्गेनाइज क्राइम इज कहीं ना कहीं उसका जो पैसा होता है या जो लोगों को यूज किया जाता है वहां पे वो कहीं ना कहीं किसी हद हाँ तक आप देखो इज यूज फॉर फंडिंग टेरर एक्टिविटीज मनी लॉन्ड्रिंग भी होती है

के लेवल पे अगर ट्रैफिकिंग पाई जा रही है तो डेथ पेनल्टी का भी प्रोविजन अगर 12 साल से कम उम्र के बच्चे की ट्रैफिकिंग की गई या फिर अगेंस्ट अ वुमेन फॉर द तो दर्पज ऑफ रिपीटेड रेप द तो पर्सन शैल बी पनिश विद पिजनमेंट फॉर ट्वेंटी बट विच में डेथ तो सेंटेंस और पेनल्टी तीस लाख रुपए तीस लाख थर्टी लाख आई थिंक वन ऑफ द हाइएस्ट पेनल्टी है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू किसी भी केस की या किसी भी ऑफेंस की इंडिया में ठीक है अभी तक की मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट पेनल्टी है तीस लाख रुपए तक पेनल्टी लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो सकता है अगर रिपीटेड रेप के लिए महिला को ट्रैफिक किया गया है या फिर आपके बारह साल से कम उम्र के बच्चे को किया गया है और आ, उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट रिग्रेस इंप्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी के स्कोप के साथ साथ तीस लाख रुपए का फाइन एक्सप्लॉयटेशन को भी डिफाइन किया गया है टू इंक्लूड एट मिनिमम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द प्रोस्टिट्यूशन ऑफ अदर्स इन द फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल सेक्शुअल इंक्लूडिंग पोर्नोग्राफी एक्ट ऑफ फिजिकल एक्सप्लॉर्टेशन फोर्स लेबर स्लेवरी सिमिलर टू स्लेवरी सर्विट्यूड ऑफ फोर्स रिमूवल ऑफ ऑर्गन इलीगल क्लिनिकल ड्रग ट्रायल्स और इलीगल बायोमेडिकल रिसर्च अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन्होंने बोला है कि एक्सप्लॉयटेशन क्या होगा इसके अंदर एक्सप्लॉयटेशन होगा विमेन ट्राफिकिंग चाइल्ड ट्राफिकिंग स्लेवरी बॉन्डेड लेबर इन वन वे जबरदस्ती लोगों को आप सहा के रखते हो ऑर्गन की ट्रेडिंग कोविड में पता है आपको लोगों को जबरदस्ती कई सारे लोगों को मार दिया गया उनके ऑर्गन बेच दिए गए उनको बोल दिया आपको कोविड हो गया और डेथ दिखा दी क्योंकि कोविड में बॉडीज तो चेक होती नहीं थी उनको पन्नी में बांध देते थे बताओ दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड इनह्यूमेन वे तो लिटरली बोलते थे ना पॉलिथीन बैग्स में गए हैं लोग तो बॉडी चेक नहीं होती थी उनके ऑर्गन्स निकाल लिए जाते थे और बहुत सारे डॉक्टर्स ने जो कि एक नोबेल प्रोफेशन ने ये काम भी किया है एक तो कोई डॉक्टर अरेस्ट हुआ था वो जबरदस्ती लोगों को मार देता था भाई साहब उसका जब उसने किसी इंसान ने अपने फादर की बॉडी देखी तो उसमें देखा कि सर्वर खोल दिया ब्रेन से लेके पता नहीं क्या क्या उसका निकाल के बेच दिया किडनी बेच दी हार्ट बेच दिया तो ऐसे लोगों पे इसीलिए ये बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोविजन लगाया जाना चाहिए so it goes beyond the protection of women and children as victims to now include transgenders as well very 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 important point sir very crucial point now includes transgenders ka bhi exploitation and trafficking in this तो so, scope बढ़ा दिया तो so, देख रहो इसीलिए experts जो हैं बहुत ज़्यादा इसको welcome कर रहे हैं कि ये जो है आपका बहुत ही थॉट आउट और वेल well ड्राफ्टेड है मतलब जनरली आप देखो कि बहुत ही कम ऐसे लॉज होते हैं जो इतनी अच्छी तरीके से ड्राफ्ट होते हैं ऑफ कोर्स थोड़े बहुत लूप होल्स कहीं ना कहीं होंगे जिसको आई थिंक दे विल वर्क अराउंड ड्यूरिंग दी डिस्कशन इन पार्लियामेंट सो आर टू एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉजेज फॉर वन द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड एनी अदर पर्सन हैज बीन इंक्लूडेड विच विल ऑटोमेटिकली ब्रिंग अंडर स्कोप एक्टिविटी सच एस ऑर्गन हार्वेस्टिंग ऑल्सो केसेज सच एस फोर्स लेबर इन विच पीपल लियोड विद जॉब्स एंड अप इन अदर कंट्रीज दिल्ली क्या होता है ये एजेंसीज होती हैं वो क्या दिखाती हैं कि आप सऊदी अरेबिया चले जाओ कुवैत चले जाओ वहाँ जाके उनका पासपोर्ट सीज कर लेती हैं और बेचारों को फोर्स लेबर इन ह्यूमन कंडीशन में रखते हैं जिसको लेकर इंडिया ने कई बार कंसर्न रेज किया है तो उस केस में भी ये अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ पे फोर्स लेबर का जो प्रोविज़न है कि लोगों को बहला के फुसला के फॉरन कंट्रीज भेज देते हैं और वहाँ पर वहाँ पर भी ट्रैफिकिंग होती है केरला की बहुत सारी नर्सिस को जॉब के प्रोटेक्स में ट्रैफिक कर दिया जाता है इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज वेयर दे आर प्रोस्टिट्यूशन ठीक है तो बहुत ही थॉट आउट वेल प्लान है वंस द कैबिनेट गिव्स अप्रूवल इट विल बी प्रेजेंटेड इन टू पार्लियामेंट इन द मॉन्सून से हाँ आपने देखा होगा जो विद्युत जामवाल की मूवी उसमें थोड़ा ऐसे कुछ दिखाया था उनकी वाइफ के लिए बाकी एक न्यूज आई है आपके गुजरात से जहां पे क्रोकोडाइल्स को रिलोकेट किया गया फ्रॉम द गुजरात लेक नाउ द लेक नेम ऑफ द लेक इज पंचमुली लेक नाउ एग्जाम में यू कैन गेट अ क्वेश्चन वेयर इज दिस पंचमुली लेक सर so, पंचमुली लेक जो है ये सरदार सरोवर नर्मदा नदी जो है ये आपके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सामने है और यहाँ पे आप देखोगे क्रोकोडाइल थे तो 194 नाइनटी फोर क्रोकोडाइल्स को यहाँ पे शिफ्ट किया गया नहीं तो पता चला लोग जा रहे हैं घूमने उन्हीं को खा गए क्योंकि तो यहाँ पे बोट राइड्स होती हैं टूरिस्ट की एंड दे ऑल्सो गेटिंग अफेक्टेड तो ये केवड़िया जो जगह है जहाँ पे सिचुएटेड है तो वहाँ पे आप देखोगे मल्टीपल पहले भी सेवेंटी थ्री जो है क्रोकोडाइल्स को रेस्क्यू किया गया था तो इंडिया में आप देखोगे घड़ियाल एलिगेटर क्रोकोडाइल तीनों ही मिलते हैं आपको एंड एज यू कैन सी कि तीनों में बहुत डिफरेंस होता है घड़ियाल हैज़ फ्रेश वाटर आप देखोगे जनरली फिशेज़ खाता है बाकी एलिगेटर एंड क्रोकोडाइल में हमारे पास सारे के सारे आप देखोगे डिफरेंट स्पीशीज़ हैं ठीक है बाकी कोवैक्सिन डेमोस्ट्रेटेड सेवेंटी सेवन पॉइंट एट परसेंट एफिकेसी अरे नहीं, हमारी न्यूज रह गई एक अफगानिस्तान वाली इधर गई हाँ अच्छा बाई दे हाँ सो इंटरनेशनल रिलेशन का कोर्स चालू होने वाला है कल तो उसके पहले आप लोग चाहें तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट से ये क्यू आर कोड स्कैन करके आप बुक खरीद सकते हैं फटाफट सो दैट वी कैन यू नो कोर्स जो है आपको और अच्छे समझ में आएगा आपको ज्यादा नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी दिस बुक फ्राम एमेजोन एंड फ्लिपकार्टी कमिंग टू द टॉपिक ऑफ अफगानिस्तान बागरा एयर बेस है वहां से यूएस ने फाइनली पुल आउट कर दिया है और ये चालू हो चुका है तो इसमें आप देखेंगे कि ये एक इन्फोग्राफिक आया था आज इंडियन एक्सप्रेस में एंड हिंदू में भी आया हुआ है उसको लेके डिटेल में वाई इंडिया इज्ली रीचिंग आउट टू तो तालिबान एंड इज अफगानिस्तान गवर्नमेंट डूम अभी क्या हुआ रिसेंटली न्यूज आई है कि तालिबान जो है बहुत सारे एरियाज पे अपना कब्जा कर रहा है सो so, तालिबान इज़ ट्राइंग टू टेक ओवर अलॉट ऑफ दीज एरिया इनफैक्ट इफ़ यू सी द मैप बिलो तो यहाँ पे आप देखोगे जो तालिबान के कंट्रोल में एरियाज हैं वो ब्लैक में दिख रहे हैं जो गवर्नमेंट के पास है वो ग्रीन में तो आप देख लो ग्रीन का रेशियो कितना कम है और रेड वो एरिया जहां पे इनकी लड़ाई चल रही है सर अफगानिस्तान गवर्नमेंट से तो ब्लैक पोर्शन इज द वन वेयर द अफगानिस्तान ब्लैक पोर्शन इज वन वेयर इज़ तालिबान इज़ होल्डिंग एवरीथिंग देखो आप तो तालिबान के पास पूरा ही ऑलमोस्ट एरिया रेड इज कंटेस्टेड एरिया सरकार के पास कुछ बचा ही नहीं है वहाँ पे तो इफ यू सी द डिटेल कितना जो ये अभी तक का लॉन्गेस्ट वॉर रहा है यूएस के लिए बीस साल का है सेवेंटी थाउजेंड सिविलियन लाइफ जा चुकी हैं दो ट्रिलियन डॉलर खर्च हो चुके हैं इस पर और अभी भी आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे कोई पीसफुल एग्जिट हुआ या क्या पीसफुल रीजन छोड़ के जा रहे हैं जुअल्टी सेक्ट ऑफ एंड चिल्ड्रेन थाज पर डेटाटेरियन कॉस्ट आप देख लो कितनी डेथ हुई है एज कम्पेयर रेन देख लो फोर्टी थ्री डिफेंस डिपार्टमेंट का एक्सपेंडिचर टू पॉइंट टू ट्रिलियन डॉलर जो कहीं यूज हो सकते थे शायद यूएस की इकोनॉमी और ग्लोबल इकोनॉमी को बेनिफिट करते वो इस वॉर में चले गए अमेरिका का अभी तक का सबसे लंबा वॉर है अमेरिका एंड नेटो फोर्सेस का 2001 से लेके 2019 तक और बजट देख लो आप इसका देखिए करंट अफेयर्स के बैकलॉग के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि वी आर कमिंग अप विद द कंपाइलेशन ठीक है तो अगर आपका बैकलॉग चल रहा है तो दिस कंपाइलेशन विल बी अ सब्जेक्ट वाइज कंपाइलेशन ऑफ डीएनए जो हमने लास्ट एक साल से किया हुआ है फ्रॉम जुलाई 2020 ट्वेंटी टू ऑगस्ट ट्वेंटी तक आपको मिल जाएगा टीम इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट तो ये जो आपका बैकलॉग करंट अफेयर्स है इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा और वो जो बैकलॉग करंट अफेयर्स होगा वो बेस्ट होगा बेस्ट ऑफ द बेस्ट इसलिए होगा क्योंकि जितने भी पॉसिबल सोर्सेस सोच सकते हो आप उस सबसे हम कंपाइल करेंगे ताकि आपको कोई भी रैंडम ए टी बी टी सी टी पी टी पढ़ने की जरूरत ना पड़े तो ये सब्जेक्ट वाइज कंपाइलेशन स्टार्ट हो चुका है हमारी टीम लग चुकी है ऑलरेडी इस पर सात आठ लोग मेंबर्स हैं अभी और भी उसमें मेंबर्स ऐड हो रहे हैं एंड दे आर गोइंग टू बी वर्किंग ऑन इट नहीं दिस इज माई टीम टीम शू आर्टिकुलेट का अपना अलग है टीम बिल्ड वो अपना अलग देंगे वो तो खैर आता रहता है बट तो दिस इज माई ओन टीम मतलब दिस दिस इज फ्रॉम माई डी एन ए कंपाइलेन और रैंडम जितने भी सोर्सेज हो सकते हैं जहाँ अगर लगता है कि अच्छा यहाँ पे पी आई बी में या आर एस टी वी जो था पहले या उसमें कहीं पर भी अगर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज आ गई है तो उसको हम लोग प्रोवाइड कर देंगे एंड विल इट विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट दीपांशु सिंह डॉट कॉम बाकी टेलीग्राम पे भी शेयर करवा देंगे इसको बट यू कैन ऑलवेज कीप चेकिंग दिस वेबसाइट यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स सारे नोट्स सब चीज मिल जाएगी यहाँ पे तो एक एक करके हम लोग इसको शेयर करना चालू करेंगे वी आर स्टार्टिंग आई थिंक विद पॉलिटी एंड देन इकोनमी इन्वायरमेंट ऐसे करके वी विल कीप शेयरिंग इट यू कैन गो ऑन द साइट दीपांशु सिंह डॉट कॉम गैट गेट इट देयर एंड बाकी आर्टिकुलेट के बे भी शेयर करवा देंगे उट टू तालिबान बिकॉज इंडिया को पता है भाई पावर किसके पास है भले ही हमारे रिलेशन अफगान गवर्नमेंट से अच्छे हों लेकिन आप देखेंगे कि कतार में कतर में अभी आप देखेंगे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब गए थे वहां पे उन्होंने देखा कि भाई कंट्रोल तो एक्चुअली में आप देखोगे दोहा कतर क्योंकि हेड ऑफिस है तालिबान का तो so, वहां पे वी हैव टू बी अ रियलिस्ट वी हैव टू टू अंडरस्टैंड कि तालिबान इज गोइंग कंट्रोल द शॉट तो तालिबान से डायरेक्टली बात करनी पड़ेगी एंड वी कैन नॉट गिव पाकिस्तान द एडवांटेज बिकॉज पाकिस्तान एंड आई एस आई हैज डायरेक्ट लिंक्स विद तालिबान जो वो एंटी इंडिया ऑपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं नाउ इज द अफगान गवर्नमेंट सो अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी हैज कंक्लूडेड अकॉर्डिंग टू द वॉल स्ट्रीट जर्नल दैट काबुल कुड फॉल विद इन सिक्स None of the US military and political leaders from General Austin Miller to President Biden is certain about the survival of the Ingaavu, Afghan government. क्योंकि आप ऑलरेडी देखो तालिबान अपना दबदबा इतना बना रहा है एक सरकार बचेगी कहां पे सरकार से तो एरिया छीन लिया उन्होंने और यहां पे भी आप देखो सिविल वॉर फिर से चालू होने के पूरे चांसेस हैं in which the government economically backed and and military trained by the west holds on to its position in countrywide while the other ethnic militia fight for their fives there is this is already unfolding

कुछ टाइम के लिए अगर अग्री कर भी गए फिर से इनके बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी एंड दे विल गिव अप दिस दूसरी रियलिटी है कि सिविल वॉर हो जाएगा आपस में लड़ाई करेंगे अर्बन एरियाज जो है वो शायद अफगान गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी एथनिक मिलिशिया जो है वो दूसरे एरियाज को कंट्रोल करेगी और थर्ड है जो सबसे ज्यादा कंसर्निंग है कि पूरा तालिबान टेक्स ओवर द इंटायर अफगानिस्तान तो इंडिया को तीनों के लिए या किसी भी कंट्री को इस तीनों सिनारियो के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा इसीलिए इंडिया जो है तालिबान से डायरेक्टली बात कर रही है चलिए तो बाकी न्यूज पर चलते हैं कोवैक्सिन ने पाया गया है कि सेवेंटी सेवन पॉइंट एट परसेंट एफिकी है अगेंस्ट सिम्टोमैटिक कोविड नाइन्टीन इन्फेक्शन विच इज अ गुड थिंग क्योंकि आप देखोगे कि बहुत सारी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज जो है कंसर्न रेज कर रहे थे और वो जो ग्रीन पासपोर्ट और जो ये पासपोर्ट वाला है कि मूवमेंट ऑफ सिटीजन्स uh, अक्रॉस या फॉरनर्स अक्रॉस द कंट्री उसको लेके कंसर्न उठाता बट प्रॉब्लम यह है कि अब जो डेल्टा वेरियंट है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेरियंट इमर्ज होकर आया और एक डेल्टा प्लस भी आ गया है और इंडियंस आई थिंक विल बी द मोस्ट इफ नॉट स्क्रूटेनाइज इन पे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होगा एज कंपेयर टू एनी अदर पीपल नॉट तो जो चाइनीज ने फेस किया आई थिंक अब इंडिया इंडियंस के साथ ये होने वाला है ये जो डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट है तो बहुत जगह आप देखोगे शायद हमारे फॉरेन ट्रेवल को लेकर रिस्ट्रिक्शंस होंगे तो कोवैक्सीन में 77.8 परसेंट एफिकेसी पाई गई है अगेन सिम्टोमेटिक कोविड 19 इन्फेक्शन एंड दिस इज हायर देन द फेस ट्रायल रिजल्ट ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन तो ये देखिए रोज़ तो आता ही रहता है कि कोई कभी कोवैक्सीन अच्छी है कभी कोविशील्ड अच्छी है तो मैं एक बोल रहे हैं सर ऑफ टॉपिक डाउट नॉट हीटेड अप इन द समर सीजन अरे सर अरेटो हीट होता है समर सीजन में तभी तो आपकी अट्रैक्ट होती हैं हीट अप होता रहता है कोल्ड रीजन एज यू कैन अंडरस्टैंड ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन ऑल्सो बट हीट होता है हीट होने का मतलब ये नहीं कि वो चालीस डिग्री पहुंच जाएगा ठीक है हीट होने का मतलब देखो दिस एक पॉइंट है किसी ने डाउट पूछा है तिब्बतन प्लेटो हीट नहीं हो रहा हीट होने का मतलब ये थोड़ी होता 40 डिग्री पहुंच जाएगा हीट होने का मतलब होता है इज कि चलो मान लो जैसे अगर वो -10 पे था तो इट वोज ऑन टू 20 डिग्री और 30 डिग्री कंपैरिजन में आप देखो ना और दूसरी चीज ये है कि तिब्बतन प्लेटो कभी कभी कुछ साल उतना हीटअप नहीं होता अगर स्नोफॉल प्रीवियस ईयर में ज्यादा हुई हो ये जोग्राफी का टॉपिक का क्वेश्चन है बट मैं आंसर कर देता हूं कि कई बार क्या होता है कि स्नोफॉल अगर बहुत हेवी हुई हो तो स्नो को मेल्ट होने में टाइम लगता है एंड बिकॉज ऑफ दैट द तिब्बतन तिब्लाटू इज नॉट दैट स्ट्रॉन्गली हीटेड अप उससे कहीं ना कहीं आपका साउथ वेस्ट मॉनसून इफेक्ट होता है ऑल्सो इट टेक्स डिले होता है इन योर जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है उसको शिफ्ट होने में टुवर्ड्स तिब्बत दो पार्ट में टूटती है आपकी जेट स्ट्रीम जो जो सदर्न पोर्शन है वो नॉर्थ ऑफ तिब्बत शिफ्ट होता है नॉर्थ ऑफ हिमालय रातर तो वो शिफ्ट होने में टाइम लगता है अगर ये स्नोफॉल पिछले कंजर्गेटिव ईयर्स में थोड़ा ज्यादा हुआ दैट इज रीजन बाकी रफेल को लेके इन्वेस्टिगेशन चालू हो गया है अब इसमें फ्रेंच के एक जज हैं जो इसको प्रोव करेंगे अब इसको लेके इंडिया में नया एक पोलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चालू हो चुका है कि भाई यहाँ पर पक्का कुछ ना कुछ घपला हुआ था तो अब वहाँ पे क्या है ये डसो रिलायंस के बीच में एमए साइन किया गया था तो वहां पे इन्वेस्टिगेशन चालू हो गया ऑन एनी सॉर्ट ऑफ करप्शन या किकबैक तो अब उसके स्पिल ओवर इफेक्ट शायद यहाँ इंडिया में इसको देखने को मिलेंगे बाकी बेगर्स शुड ऑल्सो वर्क फॉर द कंट्री बॉम्बे हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया उन्होंने बोला कि जो होमलेस लोग हैं बेगर्स दे शुड ऑल्सो वर्क फॉर द कंट्री ठीक है बाकी उन्होंने बीएमसी को ऑर्डर दिया है कि इन लोगों को न्यूट्रिशियस मील्स इंक्लूडिंग पोर्टेबल वाटर देना चाहिए थ्राइस डे अलॉन्ग विद सैनिटेशन शेल्टर एंड अदर यू नो यूटिलिटीज़ पॉइंट तो देखो बॉम्बे हाईकोर्ट का अच्छा है बॉम्बे Bomb, हाईकोर्ट बोल रहा है कि इन लोगों को आप किसी ना किसी एक्टिविटी में तो एम्प्लॉय कर ही सकते हो अब जैसे इनको आप म्यूनिसपल वर्कर्स बना सकते हो ठीक है क्लीनिंग में काम कर सकते हैं दे कैन यू नो दे शुड वर्क सैनिटेशन का आजकल काम बहुत ज्यादा है तो इनको बहुत सारी चीज़ों में इंप्लॉय कर सकते हो आप बी में इनको एम्प्लॉय कर लो एज अ वर्कर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड या कुछ भी क्लीनिंग सैनिटेशन पार्क मेंटेनेंस तो इनको आप काम दोगे तो उनकी डिग्निटी के लिए भी अच्छा है क्योंकि काम मिलेगा तो उनको सैलरी मिलेगी प्लस सरकार को इतना कंसर्न नहीं रहना पड़ेगा अबाउट बेगर्स या बेगर को लेकर जो इशूज होते हैं दे शुड ऑल्सो वर्क फॉर द कंट्री एवरीथिंग कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाई द स्टेट तो पॉइंट तो अच्छा है मतलब अच्छे कॉन्टेक्ट में ही बोला उन्होंने हाँ बाकी गल्फ ऑफ मेक्सिको में आप देखोगे पाइपलाइन रप्चर हो गई थी तो ऐसा लग रहा था लिटरली कि लोग बोल रहे थे कि ऐसा हेल के गेट ओपन हो चुके हैं तो ये गल्फ ऑफ मेक्सिको में पानी के ऊपर आप देखोगे आग जलती हुई दिखाई दी अंडर वाटर हो गया गल्फ ऑफ मेक्सिको में रियर दीर गैस अ पाइपलाइन एट देखो इसके इन्वायरमेंटल डैमेज कितना ज्यादा हुआ होगा गैस लीक से आप खुद ही समझ सकते हैं तो इसके आप वीडियो देखेंगे पूरा आपको देखने को मिलेगा पूरा कैसे लग रहा है कि गैस नीचे से आग हेल के गेट्स खुल चुके हैं Let me show you this. तो देखिए ऐसा लग रहा है लिटरली कि नीचे से वोल्केनो निकल रहा है चल रहा है तो लिटरली फेल लाइक कि यहाँ पे ऐसे आई खुल चुकी है ऐसा लग रहा है शंकर भगवान ने अपनी थर्ड आई खोल दी चलो आग ही आग निकल रही है अब तांडव होगा इसके बाद तो लिटरली अब मतलब आप सोच रहे हो पानी में आग लगी हुई है और पानी छिड़का जा रहा है उसके ऊपर एंड देन अदर केमिकल्स आर बींग यू नो

तो ग्रेइंग जिसको हम बोलते हैं ना सॉल्ट एंड पेपर लुक तो ऐसा पाया गया कि अगर आप अपनी जिंदगी से थोड़ा स्ट्रेस कम करोगे तो बाल जो है ग्रे से वापस काले हो सकते हैं सो वेयर एंड हेयर आर स्टिल अंडर द स्किन फॉलिकल दे आर सब्जेक्ट टू इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रेस वंस द हेयर ग्रोज आउट ऑफ द स्कैल्प दे हार्डन एंड परमानेंटली क्रिस्टलाइज एंड सर्व एज रिकॉर्ड ऑफ पास्ट स्ट्रेस मच लाइक द ट्री रिंग्स तो एक बार क्या हो जाता है जब वो आपके स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं तो ग्रेइंग बढ़ जाती है कलर ऑफ हेयर इट कैन नॉट बी द केस इन ओल्ड पीपल तो यंग लोगों में इसको रिवर्स किया जा सकता है बट आफ्टर अ सर्टन एयर थ्रेश होल्ड इसको रिवर्स नहीं कर सकते तब तक हेयर जो होते हैं पॉलिकल्स क्रिस्टलाइज हो चुके होते हैं ठीक है तो आप लोगों के पास अभी भी स्कोप है थोड़ा इसको वापस ब्रैक करने का बाकी एक ये संडे के न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई है कि जो सोशल स्ट्रक्चर है एशियन अफ्रीकन एलिफेंट्स का थोड़ा अलग अलग होता है मेल एशियन एलिफेंट्स स्पेंड ओनली अबाउट ट्वेल परसेंट टाइम इन द ऑल मेल ग्रुप्स एज कम्पेयर टू थर्टी सिक्स इन द अफ्रिकन समान मतलब ये दोस्ती यारी में ज्यादा बिलीव नहीं करते एशियन एलिफेंट्स जो है स्पेशली मेल तो इनका सोशल स्ट्रक्चर बताता है तो मेल एशियन एलिफेंट स्पेंड ओनली ट्वेल परसेंट टाइम इन ऑल मेल ग्रुप्स तो वो बाकी फीमेल्स के पास ज्यादा चले जाते हैं बाकी अफ्रीकन एलिफेंट जो होते हैं थर्टी टू सिक्सटी परसेंट ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं अपने दोस्तों यारों के साथ

अलग अलग लेवल के चैलेंजेस हैं अलग अलग तरीके से उसको टैकल करना पड़ेगा और आप देखो इंडिया में भी डेटा आया है अभी वैक्सीन का कि यूपी इज गिविंग द मैक्सिमम डोजेज और वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट रेट पे इंडिया में चल रहा है बाकी हीट वेव्स हैव वे क्लेव मोर देन सेवनटीन थाउजेंड लाइव इन द लास्ट फिफ्टी ईयर्स इन इंडिया कैनेडा में तो देखो कितने सारी डेथ्स हो गई इतना टेम्परेचर पहुँच गया और हीट वेव जो है आप देखो हमने इसके बारे में पहले बात की थी अगर आपको नहीं पता है तो आप प्रीवियस लेक्चर जाके देख सकते हैं लास्ट दो तीन दिन का पहले का जहाँ पे हमने बात की थी ऐसे हीट डोम बन जाता है बिकॉज ऑफ अ हाई प्रेशर सिस्टम ओवर अ वार्म एरिया मैक्सिमम हीट हीटवेव जो है आंध्र प्रदेश तेलंगाना उड़ीसा में रिकॉर्ड की गई एंड कोर हीट वेव जोन आर द मोस्ट प्रोन एरिया फॉर हीट वेव एंड सीवियर हीट सिवियर हीटवे विद्रीकवेंसी ऑफ अक्रम्स दो हजार उन्नीस उन्नीस में अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र केरला बिहार राजस्थान में सीवियर हीट वेव आई थी तो डिहाइड्रेशन क्रैम्प एग्जॉशन हीट स्ट्रोक ये सब होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं तो फ्लूइड बहुत कंज्यूम करना जरूरी है और इसके अलावा जो है आ, जरूरी है कि आप लोग जो हैं खाना खा के बाहर निकलें बाहर जल, वैसे तो ना ही घूमें तो बेटर है बाकी यू एस एस पुट पाकिस्तान टर्की ऑन चाइल्ड सोल्जर रिक्रूटेड लिस्ट वॉट डज दिस मीन तो ये एक्सप्लेन सेक्शन में एक टॉपिक आया है कि यूएस ने पाकिस्तान और चौदह अदर कंट्रीज जो हैं उनको एड uh, किया है टू अ चाइल्ड सोल्जर रिक्रूटर लिस्ट दैट आइडेंटिफाइज फॉरन गवर्नमेंट सपोर्टेड आर्म ग्रुप्स

एंड इसको वॉर क्राइम माना जाता है जो कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ट्राई किया जाता है कि अगर आप पंद्रह साल से कम सा, उम्र के बच्चों को एम्प्लॉय कर रहे हो किसमें वॉर लाइक सिचुएशन में तो उस में इन कंट्रीज पाकिस्तान के अलावा चौदह अलग कंट्रीज फोर्टीन अदर कंट्रीज इंपोर्टर दिस वॉच लिस्ट बाकी अंटार्क्टिका के बारे में हमने पहले भी बात की थी दैट टेम्परेचर ऑफ एटीन पॉइंट थ्री डिग्री सेल्सियस हैज रिकॉर्डेड जो कि अभी तक वहां पर हाईएस्ट माना जाता है अंटार्कटिका 18.3 पे वार्म हो रहा है तो आप देखोगे यू नो वार्मेच इज क्रिएटिंग मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स द हाई ग्शियर्सरेचर द रिजल्ट ऑफ अ लार्ज हाई प्रेशर सिस्टम क्रिएटिंग फॉन कंडीशन विच आर डाउन स्लोप विंड सर्फेस वार्मिंग सो द वार्मिंग इन टर्न रिजल्ट इन लोकल वार्मिंग ऑफ द बोथ सीमोर आईलैंड एंड द दरें स्टेशन एंड अलॉन्ग विद्यू टेम्परेचर रिकॉर्ड ऑफ एटीन पॉइंट थ्री द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, दे हैव confirmed दैट सच हाई टेम्परेचर आर कंसिस्टेंट with द क्लाइमेट चेंज क्या होता है जब आपकी मैंने पहले भी बताया था कि विंड जो होती हैं जब माउंटेन से नीचे आ रही होती हैं तो वो कंप्रेस हो रही होती हैं जब कोई चीज को आप कंप्रेस करोगे तो उसमें हीट जनरेट होती है तो ऊपर से जो विंड्स आ रही हैं ये हीटेड विंड्स हैं और ये आसपास के सराउंडिंग एरिया के ग्लेशियर्स को अंटार्क्टिका में मेल्ट कर रही और बाकी तो खैर क्लाइमेट चेंज की वजह से वैसे ही टेम्परेचर बढ़ा ही हुआ है तो ये जो है ये फॉन वेदर है फॉन uh, जो है एक लोकल विंड है आपकी यूरोप में तो फॉन लाइक कंडीशन बता रहे हैं इसको कि जब वो भी ऐसी जनरेट होती है कि वो जब आपकी विंड आती है तो वो क्या करती है दे हीट अप द सिस्टम एंड वो क्या होती है कंप्रेस होती नीचे एडिया कंप्रेशन बोलते हैं इसको उस वजह से ये जो है आपकी पूरी की पूरी एयर सिस्टम हीट अप हो रहा है बाकी अ यूनिक साइंटिफिक एक्सरसाइज सर्विंग द कंबाइंड नेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग डेजर्टिफिकेशन एंड प्रोटेक्टिंग लाइवलीहुड जो है वो खादी और विलेज इंडस्ट्रीज ने चालू किया है तो इसमें ट्राइबल इनकम जो है उसको बूस्ट करने के लिए साथ साथ जो है बैम्बू बेस्ड इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए राजस्थान में एफर्ट किया जा रहा है सो द प्रोजेक्ट नेम इज़ बैम्बू ओसिस ऑन लैंड एंड ड्रॉट गोल्ड नाम है इसका बट तो उसका फुल फॉर्म है बैम्बू ओसिस ऑन लैंड एंड ड्रॉट तो इसको अभी ट्राइबल विलेज निचला मंदवा उदयपुर में उसको लॉन्च किया गया है उसमें स्पेशल बैम्बू की जो वैरायटी है उसको सैपलिंग्स को ग्रो किया जाएगा जो आसाम से लाए जाएंगे लगभग 16 एकड़ के एरिया में इसको प्लांट किया जाएगा और वहां पे बेसिकली ओसिस टाइप बनाएंगे ताकि वहाँ कल्टीवेशन भी हो सके लैंड डिग्रेडेशन को भी रोका जाएगा और बैम्बू कल्टिवेशन को वहाँ पे प्रमोट किया जाएगा बाकी जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने ड्रोन्स बैन कर दिए हैं दो डिस्ट्रिक्ट में एक तो श्रीनगर में और उसके पहले आप देखोगे Uh, जो है रजौरी एडमिनिस्ट्रेशन दो जगह बोला गया कि अगर आपके पास ड्रोन्स हैं तो आपको पुलिस स्टेशन में जाके सबमिट करना पड़ेगा यानी घर पे रख सकते हो आप पकड़े गए तो फिर जेल हो जाएगी तो अगर आप श्रीनगर में रहते हो और अगर आप रजौरी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो तो वहां पे सेक्शन 144 ऑफ द सीआरपीसी के अंडर पावर है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इशू करने की ऑर्डर कि आप जो है ड्रोन्स को सबमिट करने इन द लोकल पुलिस स्टेशन या जो भी नियर बाई पुलिस स्टेशन है ठीक है बाकी तालिबान ने ऑलरेडी कैप्चर कर लिया हमने बात की हुई बहुत सारे इन्होंने एरियाज़ कैप्चर कर रहे हैं इनका इन्फ्लुएंस और ज़्यादा बढ़ रहा है एज वी एव ऑलरेडी डिस्कस्ड बाकी उड़ीसा सरकार ने ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दस हज़ार से ज़्यादा रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जो है इन्होंने जो है कंस्ट्रक्ट किए हैं दिस विल हेल्प इन रिचार्जिंग द एक्विफर्स और साथ साथ जो है इसको जो वाटर क्राइसिस उसको रोकने में हेल्प करेंगे तो ये जो कैंपेन है इसका थीम है कैच द रेन अंडर दी मुख्यमंत्री कर्म तपत्रा अभियान योजना मुक्त नाम है इसका एन अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर माइग्रेंट लेबर्स तो उसके अंदर क्या किया गया है ये कंस्ट्रक्शन किया जाएगा इट्स लाइक सिमिलर टू नरेगा तो एनुअल रेनफॉल इन उड़ीसा वेरीज फ्रॉम ट्वेल्व हंड्रेड एम एम टू एटीन हंड्रेड एम एम मेकिंग इट अ वाटर सर्पुलर स्टेट्स तो ये जो है बट कुछ एरियाज में आप देखोगे वाटर की कमी रहती है तो ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं इनको यूज कर सकते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द पानी जो होता है बारिश का आपका वो रह जाता है तो उसको अगर हम रोक अगर हम यूज कर लें तो इट कैन बी यूटिलाइज फॉर अ लॉट ऑफ डिफरेंट पर्पजेस बाकी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला है कि जो आ, क्योंकि यूएस का टू इंडिपेंडेंस डे था फोर्थ ऑफ जुलाई आप देखोगे इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं वो लोग तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्टेटमेंट इशू किया दैट इंडिया यूएस का जो पार्टनरशिप है वो ग्लोबल सिग्निफिकेंस का है और कॉन्ग्रेचुलेट करके उन्होंने क्वाड के बारे में भी बात की बाकी एक स्टडी आई जिसने पाया कि सेकेंड वेव ऑफ कोविड जो है उसने ज़्यादातर यंग लोगों को अफेक्ट किया विच यू हैव ऑलरेडी सीन ने खुद देखा एक्सपीरियंस भी किया है लोगों को देखते हुए ये एंड ग्रेटर परसेंटेज ऑफ यंगर पेशेंट्स बींग मोर अफेक्टेड ड्यूरिंग द सेकेंड वेव एंड वर्स मोर्टेलिटी भी इंक्रीज हुई उनकी इन द एज ग्रुप एक्सेप्ट इन द अंडर ट्वेंटी तो मोस्ट अफेक्टेड एज ग्रुप वॉज अबाउट ट्वेंटी टू फोर्टी फाइव या फिर ये थर्टी टू फिफ्टी फाइव के बीच का एज ग्रुप था तो ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल हैड चेस्ट प्रॉब्लम्स डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ऑक्सीजन नीड्स एंड निमोनिया। अब देखो आज से जिम खोल दिया है अब फोटो देखो आज के न्यूज़पेपर में आपने मनाली की फोटो देखी जहाँ पे लोग घूम रहे हैं तो, तो, तो आई एल शो यू। जब ऐसा हाल होगा तो थर्ड वेव क्यों नहीं आएगा ये इमेजिन कर सकते हो आप ये कोविड की सिचुएशन है ऐसा तो मतलब नॉर्मली भी टूरिस्ट सीजन में नहीं होता दिस इज मनाली मार्केट एंड इमेजिन द सिचुएशन देखो आप ये शिमला हो मनाली हो ये मार्केट ये शिमला ये मनाली की मार्केट की फोटो है मॉल रोड इन मनाली लोगों के चलने तक की जगह नहीं है आ, ये भी वही कॉन्सेप्ट है कि पहले थर्ड वेव आ जाए उनको भी पता थर्ड वेव आनी है तो मर जाएंगे लेकिन थर्ड वेव में जरूर जाएंगे थर्ड वेव आ जाए उसके पहले घूम के आ जाओ और जगह मैं पढ़ रहा था कहीं पे किसी ने मीम शेयर किया था बड़ा इंटरेस्टिंग जैसे वो है ना एक बड़ा फेमस लोग पढ़ेगा लिखेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया किसी ने लिखा था कि आगे बाहर निकलेगा घूमेगा इंडिया तभी तो थर्ड वेव आएगा इंडिया तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था वो मैंने कहा कि मैंने पढ़ा तो मुझे हंसी आ गई तो पढ़ेगा लिखेगा बढ़ेगा भारत वैसे ही जब तक निकलेगा घूमेगा भारत तभी तो थर्ड वेव आएगा भारत ऐसे करके किसी ने मीम बनाया था तो प्रिटी रेलिवेंट एंड प्रिटी मच ट्रू ऑफ द सिचुएशन और फिर हाहाकार मत जाएगा कि क्या हो गया बाकी पैनामा पेपर्स लीक जो थे पहले भी आए थे अभी भी आए हैं उन्होंने बताया कि 20000 करोड़ के आसपास अनडिक्लेयर्ड एसेट्स आइडेंटिफाई किए गए तो इन्वेस्टिगेशन है इसमें पाया गया है कि 20000 करोड़ से ज्यादा हैं इसमें इंडियन इंडियंस के बहुत ज्यादा हैं तो वन फाइव सिक्स फोर करोड़ इन जून ट्वेंटी टू वन जीरो करोड़ इन सो ग्लोबली द पैनामा पेपर्स क्रॉसिंग फाइव ईयर मार्क

अराउंड सिक्सटी थाउजेंड टन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल वेस्ट गेट थ्रोन आउट ऑफ होम्स एंड कंपनीज तो सिंगापुर ने इसको टैकल करने के लिए क्या किया है कि एक सिस्टम बनाया है पूरा इन्होंने एक फोर uh, कैटेगरीज में उसको डिवाइड कर दिया है तो दे इंक्लूड जैसे आईसीटी इक्विपमेंट कंप्यूटर्स मोबाइल फोन लार्ज अपलायंस लाइट बल्ब एंड ट्यूब बैटरीज जो है तो so इसमें आप देखोग डिपोजिट कर सकते हो वैसे सो आइटम्स विल बी सेंट टू अस रिसाइकलर हुट ऑल डेटा स्टोर्ड ऑन द डेटाइज आर पर्मनेंटली इरेज ऑल्सो तो बेटर है वैसे कुछ जगह मैंने देखा है कि वो प्लास्टिक बोटल्स के लिए डेही में लगा हुआ है ई वेस्ट ऑल्सो स्पेशली हर कॉलोनी में एक तो होना चाहिए ठीक है तो बस आज के लिए इतना ही दो दिन का न्यूजपेपर कवर कर लिया बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी एज यू कैन सी इसलिए हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस थोड़ा आज जा, ज्यादा भी हो गया बट कोई नहीं दो दिन का न्यूज़ सर कवर कर रहे हैं एक घंटे के अंदर और क्या चाहिए बताओ और मेजर टॉपिक्स को भी डिस्कस कर रहे हैं चलिए सो so, सेंडाई फ्रेमवर्क और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे आते हैं बाकी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए जो लोग नए आए हैं और फटाफट से बुक ले लो जल्दी से आई आर वाली अमेजॉन फ्लिपकार्ट से क्योंकि कल से कोर्स चालू होने वाला है इंटरनेशनल रिलेशन का सर एंड मैम कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स एक से तीन

देखते हैं हैं सिचुएशन मतलब गोना कम अराउंड एंड पीक रहे कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक करेगी तो आई डोंट थिंक सो एग्जाम शिफ्ट होगा बट यू नेवर नो जिस तरह से लोग मनाली में और आसपास घूम रहे हैं तो कुछ भी नहीं कह सकते द करेक्ट आंसर इज बी इट वॉज अडॉप्टेड बाई दर्ड यू एन कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर इज रिडक्शन मार्च फोर्टीन टू का ये सक्सेसर है लास्ट सवाल आज का ब्लैक सॉफ्टशेल टर्टल को लेके इसका मैंने वीडियो भी आपको दिखाया था हमने डिस्कस किया हुआ इसके बारे में पहले भी इट इज अ फ्रेश वाटर टर्टल स्पीशीज फाउंड इन इंडिया एंड बांग्लादेश इट इज अ वालरेबल स्पीशीज इन दी आई रेड लिस्ट एंड इट डज नॉट द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ नाइनटीन करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है बोल रहे हो कि इसका कोई प्रोटेक्शन नहीं है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आप ये कह रहे हो बार ना ऐसे क्वेश्चन देखो होते हैं इंटरेस्टिंग होते हैं क्योंकि इसको बांग्लादेश में तो मिलता है इंडिया में भी मिलता है ब्रह्मपुत्रा में नदी में पाया गया अभी तक इसको लेके कोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिला हुआ है वैसे ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है आई में तो ये मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया था नोट्स में भी अगर आप देखोगे ठीक है तो इंडिया में कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है इसको तो ये अभी टेंपल पॉन्ड असाम में वहां पे उसको कंजर्व कर रहे हैं लोग और बाकी आप देखोगे देखोग बोस्तमी श्राइन है बांग्लादेश में जहाँ पे ये जनरली यही पाए जाते हैं तो फ्रेश वाटर टर्टल है फाउंड इन इंडिया एंड बांग्लादेश इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर अभी इसको कोई लिस्ट में ऐड नहीं किया गया है ठीक है जी बाकी तो खैर कुछ नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं आईआर का कोर्स चालू होने वाला है कल से तो उसके लिए एनरोल कर लीजिए आप लोग बाकी आ, बुक्स का ऑफर अभी कंटिन्यूड है आज तारीख है पाँच सेवन्थ ऑफ जुलाई तक ऑफर है ये बड़ा फट बड़ ऑर्डर कर लीजिए हिंदी में भी बुक्स मिलेंगे आपको और अगर रिन्यू नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन रिन्यू भी कर सकते हैं बाकी नोट्स आपको मिल जाएंगे दीपांशु सिंह चैनल पर अच्छा मैं इसमें एक आंसर राइटिंग के लिए भी एक पोर्टल खोलने वाला हूँ तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए मैंने सोचा है कि एक सेक्शन बना दूंगा यहाँ पे क्योंकि तो अभी कोविड रिसोर्सेज की जो जरूरत है नहीं उसको हटा के मैं यहाँ पे आंसर राइटिंग पोर्टल का एक सेक्शन डाल दूंगा वहाँ पे हम लोग डेली एक क्वेश्चन डालेंगे जिस पे आप लोग अपने आंसर्स कमेंट कर सकते हैं एंड आई थिंग आई विल ऑल्सो एट द कैपेबिलिटी ऑफ अपलोडिंग द आंसर तो वहां पे एक डिस्कशन सॉर्ट ऑफ हो सकता है जिसको मैं पीरियॉडिकली भी रिव्यू करता रहा ठीक है चलिए थैंक यू सो मच एवरी फॉर एनी क्वेरीज डी सिंग टू सेवन टीम दॉन्ट शू टेलीग्राम रीच आउट टू देम फॉर एनी कंसर्न बाकी मिलते रहेंगे हम लोग आगे एंड नोट्स आपको मिल जाएंगे